हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। दुनिया कोरोना वायरस से डरी है, हिंदुस्तान में लगातार कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। ऐसे में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का ये आदेश है कि वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उनकी अनुमति लें और उन्हें क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाए, ग्राम पंचायत को क्वारंटीन सेंटर बना दिया जाए। तो इस लिहाज से जब ग्राम पंचायत अस्पताल बन रही है, कॉलेज अस्पताल बन रहा है और तमाम वो जगह हॉस्पिटल बन रही है, तो हमें ऐसी हॉस्पिटल के आज दर्शन करा रहे हैं जिसके ताले में भी जंग लग गई है। जी हाँ, ये कई दिनों से बंद है। हॉस्पिटल भी बड़ी गजब है, जब से बनी है एक दो बार खुल चुकी हो, यही बहुत है, ये गांव वाले आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की ये बहुत शानदार हॉस्पिटल देखें, और इस हॉस्पिटल को देखने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रणाम करें और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान साहब को प्रणाम करें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी प्रणाम करें और उसके बाद हॉस्पिटल को प्रणाम करें। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस हॉस्पिटल को देख लें, जी भर कर देख लें, इस हॉस्पिटल में पड़ा ताला भी देख लें। यह उस वक्त बंद है जब हॉस्पिटलों की बेहद जरूरत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जब स्कूल कॉलेजों को हॉस्पिटल बना रहे हैं, उन्हें क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, ऐसे में जब हॉस्पिटल बंद रहेंगे तो आप क्या कहेंगे। आज हम आपको ऐसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सरकार ने कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है, वहीं एक हॉस्पिटल में ताला डला है। इतना ही नहीं, इस ताले में जंग लग गई है। जी हां, यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के सागर ब्लॉक के भैंसवाई इलाके से जुड़ी है, जहां एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। हॉस्पिटल की हालत बता रही है कि यह खुलती ही नहीं। जी हां, प्रशासन और सरकार इस हॉस्पिटल को जरा गौर से देख ले। तकरीबन 20 लाख की लागत से भैंसवाई इलाके में 4 साल पहले एक हॉस्पिटल यानी उप स्वास्थ्य केंद्र बना था। बिल्डिंग और रंग रोगन भी बेहतर तरीके से किया गया था, लोकार्पण भी भव्य तरीके से हुआ था, लेकिन जिसे हॉस्पिटल कहते हैं और जो हॉस्पिटल में होता है, वह इस बिल्डिंग में 4 साल से नहीं हुआ। सागर जिले के ढाना क्षेत्र के पास भैंसवाई ग्राम पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो 4 साल पहले बदकिस्मती से गाँव में बन गया। सरकार और प्रशासन के पन्ने में वो विकास जुड़ गया, कहा गया कि यहाँ विकास हुआ है, एक हॉस्पिटल बन गई है। अब यह विकास की हम धीरे धीरे एक के बाद एक परत दर परत खोलते हैं। असल में यह हॉस्पिटल महीने में 2 या 3 बार खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि गांव के लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि कभी कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ जाती है, जबकि यहाँ पदस्थ ANM 1-2 बार आई है। कई लोगों ने तो उनके दर्शन ही नहीं किए, लेकिन उन्हें वेतन पूरा पूरा मिल रहा है। उनका नाम है चंद कली अहरवाल, जो दबंगाई से यहाँ आती हैं, बिना हॉस्पिटल खोले यूं ही चली जाती हैं। गांव वालों की माने तो उन्हें हॉस्पिटल होते हुए भी इसका लाभ आज तक नहीं मिला है। वो अन्य जगह इलाज कराने जाते हैं, बारिश और गर्मी में उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 4 साल में शायद एक भी बीमार आदमी को इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला है। पंचायत वाले बोलते हैं कि यहाँ हैंडओवर हो गया है, और बाकी हमारे यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आता है, और ANM आते हैं जो आशा कार्यकर्ता भी अपनी फार्मेलिटी निभाती है, तो उसको ना तो मतलब डॉक्टर भी आ रहा है, कोई भी नहीं आ रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ पर जी है, उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद हमारे पे कोई सुविधा नहीं है। आज जाके वहाँ पर देखो तो मतलब बच्ची मेरे बकरियाँ भी जा रही हैं, कुत्ता भी सबको जा रहा है, शराब पीने वाले भी बैठ रहे हैं, इसके जिम्मेदार को है।
बट यहाँ पे सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आता है, तो गांव में सबके लिए परेशानी होती है, यहाँ डिलीवरी वगैरह भी होती है, सब कुछ होता है, तो सर यहाँ से सीधा सहायपुर या अपना परसोरिया या सागर ले जाना होता है, तो सर यहाँ से कोई बस या साधन कुछ भी कुछ नहीं होता कभी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता कि सर कोई एक्सपायर भी कर जाता, बट यहाँ कोई डॉक्टर होना चाहिए 24 घंटे, नहीं तो सर कम से कम 12 घंटे तो उपलब्ध होने चाहिए। और इसका भूमि, ये इसका शिलान्यास कब हुआ था? 2 साल पहले। तब से लेकर आज तक कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया? कोई नहीं आया। ANMI जो आती हैं, कौन आते यहाँ पे? वो इस भैंसा से आती सर, वो क्या नाम अहरवाल में है, बीमार हो जाए तो हम लोग सागर जाते हैं, मेडिकल जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता? नहीं, यहाँ पर। कितने समय से ताला लगा है? वो जब से बनी है उसका उद्घाटन बना है, करीब 4-5 साल से बनी हुई है, तो ऐसे ही डली है कुछ। सवाल तमाम है, लेकिन जिम्मेदार अब मीडिया की पहल के बाद ANM पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान साहब, यह महान भारत है जहां दुनिया की तमाम हॉस्पिटलें इस महामारी के चलते खुली हैं, वही हिंदुस्तान में एकमात्र शासकीय हॉस्पिटल होगी जो बंद है। अब उस लापरवाही के लिए जिम्मेदार तो ANM ही है, और जो जो उस जिस समय अधिकारी डॉक्टर लोग रहे हैं उनने काफ़ी कोशिश की है उसके रवैये में, उसकी कार्यशैली में सुधार के लिए, तो अब कठोर दंड के लिए, कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को अब निर्देशित लिखा जाएगा, और जैसा सर लोग निर्देशित करेंगे उसके अनुसार और कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस की इस महामारी में अगर गांव के हॉस्पिटल के हालात हैं तो दुर्भाग्य है। भैंस भाई जैसी कितनी हॉस्पिटल हैं जो बंद तो जरूर गई हैं लेकिन खुलती नहीं है। अगर यही आलम रहा तो विकास पन्नों पर देखेगा, धरातल पर हम सिर्फ भाषण सुनेंगे। लक्ष्मीकांत पांडे के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, ढाणा। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।